हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसके लिए, उस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। और एक बात और है, जो लोग अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब। तो आइए चलते इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं, फिर लगाते हैं, ठीक है ना। किसी कैंटीन, ठीक है, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किग्रा चावल की आवश्यकता है। उसे अप्रैल और मई माह के लिए, उसे अप्रैल और मई माह के लिए मिलकर कुल कितनी चावल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। पूछा क्या, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किग्रा की जरूरत है, यानी देखिए 56 केजी यानी चावल की कितने दिन में, 7 दिन के। तो 7 से हम लोग भाग लगा लेंगे तो आ जाएगा 7 × 56, यानी एक दिन का जो आएगा यानी 8 किलो आएगा। एक दिन का कितने आ जाएगा, 8 केजी आएगा, केजी यानी एक दिन जो चावल खपत होगा वो 8 केजी खपत होगा। तो पूछा क्या है, चावल की आवश्यकता होगी उसे अप्रैल और मई माह के लिए कुल मिलाकर, यानी मिलाकर कुल कितने चावल की आवश्यकता होगी, ठीक है, अप्रैल और मई महीना। तो अप्रैल और मई महीना, तो अप्रैल महीना होता है कितने दिन का, यानी 30 अप्रैल का हो गया और 31 मई, यानी 31 मई, ठीक है। आप तो महीना जानते हैं कितने का होता है, तो अप्रैल 30 और 31 मई का हो गया अप्रैल 30 का। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब 61 में जो 8 आया इसे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 × 1 = 8 और 8 × 6 = 48, यानी 488 केजी, यानी 488 केजी चावल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, 488 केजी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसके बाद इसे फिर एक बार रिवाइज करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप पक्का, मुझे उम्मीद हो जाएगा कि आप समझ में इसके बाद देखने के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखिए। 2 पुरुष अथवा 3 महिला एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मैं इसके आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2 पुरुष तथा 3 महिला एक कार्य को 96 दिन में, यानी चाहे पुरुष 2 करे या चाहे 3 महिला, वो दोनों कार्य कर रहे हैं 96 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर कह क्या रहा है, 6 पुरुष तथा 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए 2 मेल है और 2 महिला, अरे 2 मैन और बराबर 3 फीमेल, यानी 2 महिला और, अरे 2 आदमी और 3 महिला मिलकर कार्य को 96 दिन में कर रहे हैं, यानी एम बराबर एम बेटा अम बटा अप हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/2, यानी ये आ जाएगा बटे में ये, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताया था कल कि कुल काम की मात्रा, यानी 2 पुरुष है चाहे 3 महिला, कुल काम की मात्रा यानी 2 पुरुष यानी 2 मैन गुणे कुल काम की मात्रा यानी 96 दिन में पूरा कर रहा है। अब देखिए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 2 6 पुरुष तथा 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में
तो क्या करेंगे, मैन यानी पुरुष और महिला से दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों से भाग लगा देंगे तो दिन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा सेम मैन प्लस सेवन यानी सात फीमेल। ठीक है, तो यानी मैन का मैन की जगह तीन है तो तीन रख देंगे, यानी तीन, और फीमेल के जगह दो है तो दो इसका मान रख देंगे, यानी एम के जगह कितना है तीन, एम के जगह तीन है और एफ एफ के जगह दो है तो दो रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर लेते हैं तो तीन दूना के छ और यहाँ छियानवे है ना, सॉरी छियानवे गुणे छियानवे बटे में लिखेंगे छत्तीस अट्ठारह प्लस सात दुना के चौदह चौदह। अब इन दोनों को जोड़ देंगे यानी छ छ गुणे छियानवे बटे में हो जाएगा बत्तीस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बत्तीस, आठ चार बारह दो तीन बत्तीस हो जाएगा। अब बत्तीस एक कम बत्तीस, बत्तीस त्या छियानवे, ठीक है, और छत्री के अट्ठारह कितना हो जाएगा अट्ठारह दिन, यानी दोनों यानी छह पुरुष तथा सात महिला उसी कार्य को अट्ठारह दिन में कर लेंगे, यानी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और एक बात, जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।